ये है आवाज दी वॉइस। अब्दुल हई खान से सुनिए खबरें 7 बजे। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। ये फैसला रियासत में ओमिक्रोन की मुमकिना लहर के पेश नज़र किया गया। यूपी हुकूमत का ये फैसला 25 दिसंबर 2021 की रात 11 बजे से नाफिज होगा। हुक्मनामे के तहत एक नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक शादियों में सिर्फ 200 लोग शिरकत कर सकते हैं। रात का कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस हुक्म के बाद क्रिसमस और नए साल की तकरीबात की तैयारियों को धचका लगा है। गुज़श्ता दिनों कोरोना वायरस की कम होने के बाद यूपी से रात का कर्फ्यू 4 माह बाद हटा दिया गया था। यहाँ कोरोना के कुल 236 एक्टिव केसेस हैं। ओमिक्रोन के 2 मरीज भी यहाँ पाए गए हैं। पंजाब के गुरदासपुर में जुमे की सुबह पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए गुब्बारे को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार ने 2 राउंड फायर करके गिरा दिया। बीएसएफ के डीआईजी प्रभाकर जोशी ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर मुसलसल दरअंदाजी करने के लिए कोई ना कोई नाकाम कोशिश की जाती रही है। बीएसएफ के जरिए कभी ड्रोन को भारत की सरहद में दाखिल होने से रोका जा रहा है तो कभी दरअंदाजों को मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सुबह 5 बजे पाकिस्तान की तरफ से छोड़ा गया एक गुब्बारा जैसे ही भारतीय सरहद में दाखिल हुआ तो उसे 73 बटालियन के सिपाही राजेंद्र कुमार ने 2 राउंड फायर करने के बाद गिरा दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पहली मैगजीन जर्नल ऑफ लॉ एंड रिलीजियस अफेयर का शाम 6 बजे मल्टीपर्पज हॉल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में माहिर कानून साबिक वजीर बराए सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल के हाथों अमल में आया। इसका बुनियादी मकसद हिंदुस्तान में कानून शरीयत की तफहीम, एतराजात के जवाबात और अदालतों के फैसलों का तजज़ियाती मुताला है। उम्मीद की जा रही है कि इस मैगजीन के जरिए वकला, जजेस और माहिरीन कानून को इस्लामी कानून की मानवीयत और हमागीरियत से आगाह करना आसान होगा। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने इसकी अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये मजल्ला कानून शरीयत की तफहीम और कानून दानों के एतराजात को दूर करने में नुमाया किरदार अदा करेगा। बांग्लादेश के छलकोटी जिले में जुमे की सुबह एक फेरी में आग लगने की इत्तला मिली है। खबर रसा इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने से कश्ती में सवार 32 अफराद हलाक हो गए हैं, 100 अफराद जख्मी हुए हैं। छलकोटी ज़िले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नजमुल आलम ने बताया कि फेरी पर तकरीबन 1000 लोग सवार थे। ये फेरी ढाका से ज़िला बरगोना जा रही थी। हादसा बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका से 200 किलोमीटर के फासले पर पेश आया। हिंदुस्तान के स्टार स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 41 साल हरभजन सिंह ने हिंदुस्तान की तरफ से 711 विकेट हासिल किए हैं। टर्मिनेटर के नाम से मशहूर हरभजन सिंह सियासत के मैदान में अपनी नई इनिंग्स खेल सकते हैं। हाल ही में उनकी तस्वीर पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ वायरल हुई थी। ऐसी खबरें हैं कि हरभजन सिंह पंजाब असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं।